हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री की एक से एक बड़ी मूवी में काम कर चुके हैं दोस्तों। और ये जिस भी मूवी में नज़र आते हैं दोस्तों, वो मूवी 100% हिट होती है दोस्तों सबसे अधिक बड़ी बड़ी बजट की मूवी। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री में दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, खेसारी लाल जैसे एक्टर हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों इनकी मूवी जब भी आती है दोस्तों सबसे बड़ी बजट की मूवी आती है दोस्तों। और जितनी बड़ी बजट की मूवी आती है दोस्तों इन्हीं के नाम पे आती है दोस्तों, और इन्हीं की मूवी आती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू पांडे की। दोस्तों चिंटू पांडे को भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता दोस्तों बता दें कि चिंटू पांडे भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने बल पे दोस्तों, अपने मेहनत के बल पे आज भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं दोस्तों बता दें कि चिंटू पांडे ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी करियर की शुरुआत साल 2009 में ही कर दी थी दोस्तों। और साल 2009 में ही ये भोजपुरी इंडस्ट्री में छोटे बड़े मूवी में नजर आते थे दोस्तों, लेकिन इन्होंने अपनी पहली मूवी किया जो भोजपुरी इंडस्ट्री की, जिनमें इन्होंने लीड एक्टर का रोल किया दोस्तों, वो मूवी है दीवाना। जी हाँ दोस्तों, पहली बार ये दीवाना मूवी में नजर आए थे दोस्तों। उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से एक बड़ी बड़ी बजट की मूवी देने लगे दोस्तों, और आज भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन चुके हैं दोस्तों बता दें कि अभी इनकी उम्र 31 वर्ष की हो चुकी है दोस्तों, और 21 वर्ष के हो चुके हैं चिंटू पांडे। चलिए बात करते हैं इनकी भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ बेस्ट मूवी की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकी भोजपुरी इंडस्ट्री की बेस्ट मूवी है दुल्हनिया चाहिए पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, यही मूवी से चिंटू पांडे ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना दबदबा कायम किया, और ये मूवी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, और इसी से चिंटू पांडे को अपनी पहचान मिली दोस्तों। बात करें इनके पिता की, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इनके पिता भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बेस्ट और फेमस फिल्म निर्माता हैं। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार आर्य पांडे के बेटे हैं चिंटू पांडे। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार आर्य पांडे के बेटे हैं चिंटू पांडे, और ये भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी बेस्ट एक्टर हैं दोस्तों। जिस फिल्म में नजर आते हैं फिल्म हिट होने ही होनी है दोस्तों चलिए बात करते हैं अब चिंटू पांडे के घर के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चिंटू पांडे यूपी बिहार झारखंड से नहीं है, जी हाँ दोस्तों, बल्कि ये मुंबई के महाराष्ट्र से हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मुंबई के महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और इनकी जन्मभूमि ही मुंबई है, और मुंबई से ही इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी करियर की शुरुआत की है। और आप वीडियो में चिंटू पांडे का घर देख सकते हो, यही है चिंटू पांडे का घर। तो दोस्तों अगर आप भी चिंटू पांडे का फैन है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।